तो भाई ये था हमारा रूम, मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा एक बार। अपना नाम बताओ। ये अभिषेक भाई हैं, बहुत बढ़िया, आपको सपोर्ट भी करेंगे। मैं डर रहा था तो भैया सपोर्ट कर, नहीं कुछ नहीं होगा, तो ऐसे ही करेंगे। बढ़िया जगह है, आओ तो कभी अभिषेक भाई से मिलो, ये यहीं पे ही रहते हैं और व्यू भी बढ़िया है भाई। और तो भाई ये था हमारा रूम, मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा एक बार। ये था, ये एंट्रेंस है, ये व्यू आ रहा था यहाँ से, और ये हमारा रूम है। ये देखो बैग पैक पहन के तैयार हो गए हम सारे के सारे निकलने के लिए, रेडी। आपको रूम का दिखाता हूँ टूर। ये एक बेड था इसके अंदर, और भाई ये वॉशरूम है, ठीक ठाक है, क्या इतना कोई गीजर लगा हुआ था ऊपर। ये इनकी अलमारी है, ठीक ठाक है, सामान वामान आया था अपना ठीक ठाक, कोई इतना वो नहीं है दिक्कत इसमें। ये था, तो भाई ऐसे ही हमारा दूसरा रूम था, हमने दो रूम लिए थे, हम पांच जन थे। तो बाकी व्यू बढ़िया आता भाई यहाँ से, ये देखो ये दूसरा रूम है, इसकी भी तैयारी हो रही है निकलने की सब लोगों की। तो भाई ये रूम, दोनों रूम जो हैं हमें लगभग पड़े हैं बड़ी बार्गेनिंग के बाद 2600 रुपये के। बस ये था कि 11 बजे जो चेक इन थी वो ना करके उन्होंने 8 बजे की चेक इन कर ली, तो उस हिसाब से जो है ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा सा महंगा है एज़ कम्पेयर टू मनाली वगैरह से कंपेयर करते हो, इससे बढ़िया रूम वहाँ आपको 800-900 रुपये में मिल जाते हैं आराम से। तो भाई चलो चलते हैं, अब जो है नेक्स्ट व्लॉग जो है हमारा स्टार्ट हो गया है। और गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल दोबारा आपको, और भाई अब यहाँ से देखते हैं कहाँ निकलना है कहाँ नहीं निकलना, वो आपको बताते हैं, तो वीडियो पे बने रहिएगा भाई। तो भाई ये थे होटल जहाँ रुके थे, भाई आपका नाम बता दो क्या है? रोशन। ये रोशन भाई है, ये मिलेंगे आपको। भाई को कोई कार्ड वार्ड है, मैं डाल देता हूँ इसमें डाल दो। तो नंबर, हाँ नंबर डाल दो अपना, ताकि आप कॉन्टेक्ट करें लोग। भाई ये देख लो, ये भैया का नंबर है, जब भी कोई आए, ये होटल है, होटल ग्रीन वैली इन, बहुत बढ़िया होटल है भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया है। हमारी हेल्प से हेल्प करी भैया ने, अर्ली लॉग इन भी करा, चेक इन भी करा दिया हमें। तो आप जब भी आए नीम करोली बाबा, यहाँ भाई से मिलेगा, रूम वगैरह के लिए कॉन्टेक्ट कर लेना, नंबर मैंने डाल दिया। तो भाई ठीक है चलते हैं, जब भी आएंगे अब आपके ही आएंगे। ये अपनी क्रेटा खड़ी हुई है, देख लो, ये देखो ऊपर से डर लगता है कि पत्थर वत्थर ना गिर जाए। एक भाई की गाड़ी वहाँ खड़ी थी उस तरफ, उन्होंने लेफ्ट साइड में दबा के रखी हुई थी, और जब सुबह दिखे तो उनका कांच टूटा हुआ था, ऊपर से पत्थर क्या है पत्थर गिरते हैं तो कई बार कांच वगैरह टूट जाते हैं, ये ऊपर भी कहीं जाता है रास्ता। बट भाई कुछ भी कहो, इस होटल का सबसे बढ़िया चीज़ है इसका व्यू देखो आप, ये डाइनिंग का जो व्यू बना रखा है ना, और रात में हमने यहाँ आग जलाई थी, बॉन फायर किया था। बट भाई उतनी ठंड थी ना कि दिमाग में आया ही नहीं कि वीडियो बना लेते हैं। तो भाई ये देखो, ये यहाँ से येलो व्यू भी आता है, मतलब व्यू बहुत बढ़िया है भाई इस होटल का। तो वैसे के लिए इन्होंने हमसे टोटल जो पैसे मांगे थे जब हम आए थे, तो लगभग इन्होंने हमसे कहा था कितना, 1500 रुपये, 3000 रुपये मांग रहे थे दोनों रूम के। बट वही आप बार्गेनिंग करोगे तो बार्गेनिंग सही कर लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये होटल है, मैं फ्रंट दिखा देता हूँ आपको होटल का। तो लास्ट में हमारी जो बात हुई लगभग फाइनल हुई 2600 रुपये में दो रूम के, और रूम भी ठीक है यार, मतलब ठीक ठाक है। देखो हमको इतना हाई फाई तो है नहीं कि हमें भैया ये चाहिए वो चाहिए, ये सामने से रोड आता है, ठीक है, रास्ता यहाँ से करीबन 700 मीटर दूर रह जाता है, नीम करोली बाबा का जो आश्रम है या मंदिर जो भी है 700 मीटर दूर रह जाता है। और यहाँ से आप चाहो, अभी क्या है अभी थोड़ी अर्ली है, लगभग अभी बज रहे हैं, हम चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से 9:35 बज रहे हैं। तो कई बार क्या होता है भाई वीकेंड के अंदर ना यहाँ भीड़ रहती है, यहाँ ऊपर तक जाम लग जाता है कई बार गाड़ियों का, वहाँ तक ऊपर तक। तो बेटर ही रहेगा यदि आपको स्टे करना है तो यहाँ होटल आप ले लो, ठीक है, सबसे बढ़िया है। हम और जगह भी गए थे तो काफ़ी महंगा था होटल, तो ये हमें ठीक ठाक लगा, ठीक है। यहाँ गाड़ी लगाओ अपना और यहाँ से अपना पैदल पैदल चले जाओ, 700 मीटर का रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं है, बीच में शॉर्टकट भी है, बस थोड़ी चढ़ाई है, उससे भी आप लोग जा सकते हो आराम से,
कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो भाई चलो अब हम यहाँ से लगभग निकलते हैं नैनीताल के लिए। ये होटल है, जूम करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही आप इधर से यहाँ आओगे तो सीधे रास्ता यहाँ आ जाएगा आपका, और ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये है होटल हमारा, होटल ग्रीन वैली इन। बहुत बढ़िया होटल है भाई, आप आना कभी भी इस होटल में आ सकते हो भाई। ये व्यू है भाई होटल का, देख लो आप, बढ़िया रूम पाती है सुबह सुबह अपना। यहाँ आओ खाओ पियो जैसे। और ये व्यू है आश्रम का जो है, लगे थोड़ा लेफ्ट साइड पर पड़ जाता है आपका इधर की तरफ। ठीक है भाई, होटल तो ठीक है, लोकेशन भी ठीक ठाक है, रेट भी ठीक है एज़ कम्पेयर टू अदर। ये आप देख रहे हो, ये जो रेड वाला जो होटल है ये हम यहाँ गए थे पूछने के लिए तो भाई कहते हैं कि 4,000 रुपये से मतलब होटल का रेंट शुरू है पैसे के लिए। हम भाई भाग लिए वहाँ से सारे के सारे। अब हमें यहाँ पे 2600 रुपये में हमें जो है मिल गए दोनों होटल। हम होटल से निकल चुके हैं, ये हमारे साथ कुछ साथी हमारे, तो गाइस होटल से निकल गए। आपने देखा होगा कि हम कौन कौन कितने जने निकल गए हैं वापस। तो भाई अब हम जा रहे हैं नैनीताल लेक, वहाँ देखते हैं वहाँ पे क्या है घूमने के लिए क्या नहीं है। बाकी भाई रास्ते थोड़े से कर्व ज्यादा है, तो भाई जो लोग नए आ रहे हैं उनके लिए ये कहूँगा गाड़ी थोड़े आराम से ही चलाएं, स्पीड में मत चलाएं, और जैसे भी चलाएं रात में थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि रात में थोड़ा सा कर्व वगैरह एकदम आते हैं, थोड़े जो हैवी व्हीकल्स हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं। तो भाई रास्ते में जो भी आता जाएगा, जो भी पॉइंट आता जाएगा, आप किसी वीडियो डालते जाएंगे वो देखते रहना। तब तक के लिए नेक्स्ट तक के लिए वीडियो देखते रहें। चल गए थे हम वहाँ से, और अब यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है, वहाँ आ गए हैं। वीडियोग्राफी चल रही है भाई, देखो वही सब वीडियोग्राफी चल रही है। तो हम यहाँ आ गए हैं लेक के अंदर, घूम रहे हैं, देख सकते हो आप लेक तो बढ़िया है, बट साथ साथ थोड़ी सी हमारी बोट पे बैठा हूँ ऐसी बोट पे, और लेक में पहली बार घूम रहा हूँ भाई, तो डर सा भी लग रहा है तो थोड़ा सा, पर ये है कि हाँ अब भाई सही चला रहे हैं, एकदम पूरा जोश दिलवा दिया भाई ने। और ये है भाई, ये और भी ये दो और घूम रहे हैं, ये इंस्टाग्राम स्नैपचैट चल रही है इनकी, आपस में बनाते जा रहे हैं। ये हमारी रेस भी लग रही है आपको, रेस कह सकते हो रेस। ये थे हम यहाँ घूम लिए हैं, बढ़िया बढ़िया व्यू आ गया अपना, और थोड़ा डर था वो भी निकल गया। तो बस लगभग राइड हमारी ख़त्म होने वाली है, इन भाई ने हमें घुमाया। भैया अपना नाम बताओ। ये अभिषेक भाई हैं, बहुत बढ़िया आपको सपोर्ट भी करिए, मैं डर रहा था तो भैया सपोर्ट कर, नहीं कुछ नहीं होगा तो ऐसे ही करेंगे, बढ़िया जगह है। आओ तो कभी अभिषेक भाई से मिलो, ये यहीं पर ही रहते हैं, और व्यू भी बढ़िया है भाई, और थोड़ा सा सिनेमेटिक बना के दिखाता हूँ मैं आपको, वो देख लेना आप। तो आगे जैसे चलेंगे बताएंगे आपको। ये नैनी लेक है भाई, नैनीताल में यहाँ घूमे हैं। निकल गए हैं नैनीताल से, और एकदम अब हमारा प्लान बन गया हरिद्वार का, तो हरिद्वार निकल रहे हैं भाई। चलो आज का दिन है हमारे पास, ले सोच रहे कि हरिद्वार भी घूमते हुए और वहाँ से फिर अपना घर ग्रेटर नोएडा निकल जाएंगे। तो भाई चलो आपको और दिखाते रहेंगे। अब गाड़ी जो है हमारा नितिन चला रहा है, नितिन को हमने दे दी है गाड़ी चलाने के लिए, और शंकर भगवान की जय, जय बाबा मोहन राम की जय। तो भैया मिलते हैं आपको आगे, जैसे भी होगा बताते हैं फिर आपको। भाई ये देखो हम यहाँ आए थे, बेसिकली हमें बताया था ऐसे हरिद्वार का प्लान बना था, हरिद्वार तक जा रहे थे वापस, तो ये व्यू मिला भाई, ये देखो आप।
ये देखो भाई क्या व्यू आ रहा है। और ये अपनी क्रेटा खड़ी है, वो जो दिख रहा है आपको बादल है बेसिकली। एक और व्लॉगर भी आ गए हैं भैया, यहाँ पे दो दो व्लॉगर चल रहे हैं, दो दो व्लॉगिंग चल रही है एक साथ। ये देखो ये खाई देखो भाई साहब, ये देखो खाई भाई कितनी गहरी है, देखो वो देखो आप वो बादल है भाई, ये देखो ये बादल है भाई, बादल दिख रहे हैं हमें। अब वो नैनीताल है, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट आ जाए इसके अंदर। वो देखो वो नैनीताल है भाई, नैनीताल है इस तरफ। चलो भाई चलते हैं आगे फिर बताते हैं आपको। देखो भाई ये देखो भाई लंगूरो, अरे भाई चलो जेटर रोड घुमा रहा मैं तुम्हें, चलो चलो भाई चलो। पतले उसे जा रहे हैं और धीरे-धीरे